पाबंदी के बावजूद शहर में खूनी खेल जारी। योहन्नाबाद में धाती डोर का वार, 28 साला नौजवान शिकार। डोर फिरने से नौजवान फरहान जख्मी, तशवीशनाक हालत में जनरल अस्पताल मुंतकिल। सीट बेल्ट और मोबाइल फोन की खिलाफ वर्जी, हमें क्यों रोका, वकला आपे से बाहर। जेल रोड पर वकला ने वार्डन को मुबैना तशद्दुद का निशाना बना डाला। एयरपोर्ट पर एएनएफ की बड़ी कार्रवाई, करोड़ों रुपए मालियत की हेरोइन पकड़ ली। हेरोइन ऑयल फिल्टर्स में छुपाई गई, मुनशिया कनाडा के शहर टोरंटो भिजवाई जानी थी। नैब का हमजा शहबाज की गिरफ्तारी के लिए छापा, कारकुन एक मरतबा फिर ढाल बन गए। नैब की टीम और पुलिस का 5 घंटे तक 96H मॉडल टाउन का मुहासरा। हाईकोर्ट ने पीप तक हमजा शहबाज को गिरफ्तार करने से रोक दिया। नैब की टीम एक बार फिर खाली गाड़ियां लेकर वापस चली गई। नैब टीम के जाने के बाद हमजा शहबाज सामने आ गए, बोले नैब की यरगार ने 12 अक्टूबर की याद ताजा कर दी। नियाजी साहब कान खोल कर सुन लो, नैब से नहीं डरता। शेख रशीद ने नून लीग और पीपल्स पार्टी पर लफ्जी ट्रेन चला दी। हमजा शहबाज की गिरफ्तारी के मामले पर नून लीग बुजदिल करार, बोले हराम की कमाई ने सियासतदानों को बुजदिल बना दिया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का भी तमस्खर उड़ाया, कहा बिल्लो रानी से मेरी लड़ाई सिर्फ 6 या 7 दिन होती है। ट्रेन की बोगियां डीरेल होने पर कौम से एक बार फिर माफी मांग ली, इंक्वायरी के लिए नई कमेटी बनाने का ऐलान। अगर कोई जज किसी मुकदमे में इंसाफ नहीं करता तो दुनिया और आखिरत में इसका जवाब दे होगा। इंसाफ पर मबनी एक फैसला सालों की इबादत से बढ़कर होता है। जजेस की कारकर्दगी और इस्तदाद कार में इजाफा वक्त का अहम तकाजा है। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट सरदार मोहम्मद शमीम खान का जुडिशल अकेडमी में खिताब। और पंजाब गेम्स का 4 रोजा मेला खुशगवार यादों के साथ इख्तिताम पजीर, 66 गोल्ड मेडल्स के साथ लाहौरी खिलाड़ी छाए रहे। 9 बरस के जकरिया गोल्ड मेडल हासिल करने वाले कम उम्र तरीन खिलाड़ी करार।